हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो है इंट्रोडक्शन अबाउट लिमिट्स। लिमिट्स के बारे में आपने सुना ही होगा, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, ये सारे टॉपिक जो है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये एक कैलकुलस फैमिली के अंडर में आते हैं। एक फैमिली है कैलकुलस नाम की और इन सब के ये बच्चे हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। और सब ने आपको बोला होगा अरे बहुत टफ टॉपिक है, ऐसा वैसा, यू त्यू, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सेशन देखने से पहले, शुरू करने से पहले दिमाग की ये सारी बातें हटा दो। ये मेरी गारंटी है कि मैं सबसे आसान टॉपिक ही आपको बना दूंगा, और वाकई में इसमें कोई परसेंट भी डायलेमा नहीं है, इससे इजी टॉपिक कोई है ही नहीं। बहुत फॉर्मूला बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड है, और ये टॉपिक अगर आपको आ गया ना, तो आपने जो नाम सुने हैं डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, सब आपको इजी लगने लगेंगे, क्योंकि ये इन सबका फाउंडेशन माना जाता है। और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली इमारत मजबूत टिकेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन पूरी तरह से अच्छी से समझो, और जैसे मैंने कहा है, दिमाग की सारी बातें हटा दो और एक फ्रेश मेंटेलिटी से इस सेशन को देखो। तो वाकई में ये टॉपिक अगर आपको समझ गया तो कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन आप यू कर लोगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लिमिट्स। अब देखो, लिमिट्स शुरू करने से पहले आपने ये वाला एक सिंबल बहुत जगह देखा होगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या? फंक्शन। एफ ऑफ एक्स ये किसका सिंबल है? फंक्शन का। ठीक है, तो सपोज एफ ऑफ एक्स इज 3x² - 5, ये आपको एक एफ ऑफ एक्स दे दिया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 5, ये क्या है? एक कोई तो फंक्शन है, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, चलो दोस्तों मुझे बताओ एफ ऑफ टू क्या है। देखो मैंने क्या किया है, एक्स के जगह टू रख दिया है। एफ ऑफ टू क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इस फंक्शन में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर क्या रखो? टू रखो। मेन इसमें, मेन सिंबल में मैंने x को रिप्लेस कर दिया है 2 से, इसका मतलब क्या? मेन जो आपका इक्वेशन है वहां पर भी, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर 2 रख दो। मतलब ये क्या हो जाएगा? 3 एज इट इज, जो कांस्टेंट है वो एज इट इज, x मतलब 2, उसका क्या है? स्क्वायर माइनस 5, यानी 3 इंटू 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5, यानी 12 माइनस 5 आंसर इज 7, यानी एफ ऑफ 2 क्या बन गया? 7। कोई टफ था एफ ऑफ 2 निकालना? अब इसी चीज को देखो, वो आपको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और आप डर जाते हो। वही चीज आपको क्या बोलेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 2। क्या बोल रहा है वो? फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 2 ऑफ 3x² - 5। जब उसने आपको इस तरीके से दिया था तो आपको अरे वाह, ये तो अपना ही है, इस तरह से लगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आप बहुत बार उससे फैमिलियर हो चुके हो। लेकिन जब उसने ये तरीका ना देते हुए इस तरीके से दे दिया, लिमिट एक्स टेंस टू, इसको देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं, एल आई एम, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 2 ऑफ 3x² - 5। पता है आपको यहां पे क्या करना है? यहां पर भी वही करना है। वो बोल रहा है कि बताओ इस फंक्शन का आंसर, इस इक्वेशन का आंसर, अगर एक्स की वैल्यू ये 2 है, x की वैल्यू ये 2 है, मतलब क्या करना है आपको? 3, x के जगह आपने 2² - 5, सेम वही किया। यहां पे उसने डायरेक्ट x के जगह 2 रख दिया था, इसलिए आपने बहुत आसानी से कर लिया, या उसने कुछ अलग तरीके से दे दिया, आप डर गए। तो याद रखो दोस्तों, जब जब वो आपको इस फॉर्म में भी देगा, उसका मीनिंग क्या होता है? दिए हुए फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां पर 2 रखो। उसने यहां आपको क्लियर कट बोल दिया है, जहां जहां एक से वहां वहां 2 रखो। सो 3 2 स्क्वायर, यानी 3, ये हो गया 4 - 5, यानी 12 - 5 आंसर इज 7। देखो एग्जैक्ट सेम आंसर, सिर्फ इस 7 को आप क्या बोलते थे? फंक्शनल वैल्यू। तो दोस्तों इस 7 को आप क्या बोलोगे? लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि ये आपने निकाला बाय यूजिंग फंक्शन, ये आपने निकाला बाय यूजिंग लिमिट्स, बट तरीका डिक्टो सेम। आपको ये बात तो क्लियर हो गई है कि जब जब इस तरीके से आएगा तो दिए हुए इक्वेशन में क्या करना है? लिमिट एक्स टेंस टू जो भी वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू यहां रख देना है, खत्म। मतलब अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता था आपको, लिमिट एक्स टेंस टू 4 3x² - 5x + 3, तो
तो यहाँ पे भी क्या करना था, दिए हुए फंक्शन में, दिए हुए इक्वेशन में जहां जहां x से वहां वहां x की वैल्यू रख दो। इस बार क्या दी x की वैल्यू 4। सिर्फ यहां पर लिमिट सिंबल यूज हुआ है, इसलिए आप जो भी आंसर आएगा इसको क्या बोलोगे, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, सो देख लो क्या हो गया है, 3 एज इट इज, 4 x के जगह क्या रखना है 4, सो 4 स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज 4 प्लस 3, सो 3 एज इट इज 4 स्क्वायर इज 16, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 हो गया 20 माइनस 3, 16 इंटू 3 48, यहां पर प्लस 3 है माइनस 20 प्लस 3, 48 माइनस 20 28 प्लस 3 31 इज द आंसर। सो व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 31। खत्म। तो जो आपने फंक्शन देखा था उससे रत्ती भर भी अलग नहीं है ये चैप्टर, लेकिन हाँ उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी बहुत से ऐसे फंक्शन दिखाऊंगा जहां पर ये वाला टॉपिक फेल हो जाता है, आंसर निकाल नहीं पाता है, लेकिन वही चीज का आंसर ये लिमिट चैप्टर चुटकी में निकाल देता है, क्योंकि उसके अपने खुद के काफी सारे थ्योरम्स है। बस वो थ्योरम मुझे आपको सिखाना है, वो थ्योरम अगर आप समझ गए, वो रूल, वो लॉज आप समझ गए, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। फंक्शन और लिमिट्स बिल्कुल पैरेलल टॉपिक है, पैरेलल चलते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने x के जगह 2 रख दिया और आंसर निकाला, यहां पर भी वही करना है, x के जगह 2 रखना है, आंसर निकालना है। लेकिन लिमिट्स ये फंक्शन से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये फंक्शन टॉपिक फेल हो जाता है। बहुत से ऐसे इक्वेशन है, क्रिटिकल इक्वेशन, जहां पर ये टॉपिक फेल हो जाता है, तब आपको लिमिट्स चुटकी में आंसर दे देगा बाय यूजिंग वेरियस रूल्स एंड लॉज। वो रूल्स और लॉज मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो कि किस तरह से अगर आपको इक्वेशन दिया है और इस तरह से पूछा है तो उसका आंसर किस तरह से निकाला जाता है। कुछ नहीं करना होता है, जहां जहां x से वहां वहां x की वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो, फिनिश। ठीक है, सो अब देखो, लिमिट्स में अब देखो अलग अलग रूल्स। सबसे पहले देखना, फर्स्ट रूल, लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्या रूल है देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। पता है आपको, ये रूल शुरू करने से पहले ये रूल्स हम क्यों सीख रहे हैं उसका रीजन समझो। देखो फंक्शन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऊपर और नीचे जब आप x की वैल्यू रखते हो, अगर आपको इस फॉर्म में दिया है, फॉर एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंस टू 2 x रेस टू 5 माइनस 32 अपॉन x क्यूब माइनस 8, बराबर। अगर ये लिमिट्स ना देते हुए अगर आपको दे दिया है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस अगर ये आपको दे दिया है, तो मुझे बताओ अगर उसने आपको बोला है फाइंड f ऑफ 2, फाइंड f ऑफ 2, सो इसमें आप क्या करोगे, जहां जहां x से वहां वहां आप उसकी वैल्यू रख दोगे। सो यहां x की वैल्यू क्या, 2 रेस टू 5, क्योंकि x कितना है 2, सो 2 रेस टू 5 माइनस 32 अपॉन 2 क्यूब माइनस 8, बराबर। जहां x था वहां x की वैल्यू, जहां x था वहां x की वैल्यू, 2 raise to 5 कितना है 32 minus 32, 2 cube कितना है 8 minus 8, answer is 0/0, और ये हो गया undefined solution, ये हो गया invalid solution। ठीक है, याद रखना जब जब denominator में 0 आ रहा है, numerator में 0 आया कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि numerator में 0 upon anything is 0, और 0 ये valid answer है, 0 ये defined answer है।
सो ऊपर जीरो आ रहा है उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, नीचे जीरो आ रहा है वो. डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है मतलब इस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन कह ही नहीं सकते. ये सॉल्यूशन हो गया अनडिफाइंड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गया इनवैलिड सॉल्यूशन. तो ऐसे चंद कुछ फंक्शन हैं जो आपको हमेशा डिनोमिनेटर में जीरो देंगे और उसके वजह से फंक्शन टॉपिक फेल है. जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन टॉपिक क्यों फेल होता है. बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जहां पर आप एक्स की वैल्यू अगर डायरेक्ट रख दो, जैसे मैंने यहां किया है, एक्स की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट रख दो तो आपको आंसर मिलता है जीरो, वो भी डिनोमिनेटर में. ऊपर जीरो मिल रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको जीरो कहां मिल रहा है, डिनोमिनेटर में. और डिनोमिनेटर में जीरो यानी उसी को कहा जाता है अनडिफाइंड इनवैलिड सॉल्यूशन. और ऐसे फंक्शन से निपटने के लिए जो डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा है, जो डायरेक्ट मेथड से आंसर नहीं दे रहा है, ऐसे फंक्शन से निपटने के लिए लिमिट्स चैप्टर के अपने खुद के लॉज है, अपने खुद के रूल्स है. बस वो रूल अब हम देखने वाले हैं, ठीक है. बस अब यहां से आप फोकस करना शुरू करो. तो आपको समझ गया है कि कैसे वो फंक्शन है जिसको हम टैकल नहीं कर सकते, जो डिनोमिनेटर में जीरो देता है. और डिनोमिनेटर में जीरो मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है ही नहीं. तो ऐसे फंक्शन से कैसे निपटे वो अब हम देखने वाले हैं. ऐसे फंक्शन से सिर्फ निपटेगा लिमिट्स, और वो भी किन हथियारों से, वो हथियार, वो लॉज हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है. सो देखो, फर्स्ट हो गया लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a. इसका आंसर होता है जब जब आपको इस फॉर्म में फंक्शन दिखे, जब जब आपको इस फॉर्म में फंक्शन दिखे, आंखें बंद करके उसका आंसर लिख दो n इंटू एक्स रेस टू n इंटू a रेस टू n माइनस वन. जब जब इस फॉर्म में आपको फंक्शन दिखा रे दिखा, आंखें बंद करके इसका आंसर क्या लिख दो, एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये फंक्शन क्या है, एक्स रेस टू सर्टन पावर, ये एन मतलब क्या पावर, माइनस ए रेस टू एन. अब ये ए कौन है, ए वही है जो यहां पर है. लिमिट एक्स टेंस टू आपको जो भी बोला है, टू थ्री फाइव माइनस वन जीरो, जो भी बोला है, लिमिट एक्सटेंस टू जो भी बोला है वही चीज यहां पे आनी चाहिए. ए रेस टू अगेन सेम पावर, जो एक्स की पावर है वही ए की पावर चाहिए. और नीचे क्या चाहिए, नीचे कंपलसरी एक्स माइनस ए, ये लीनियर इक्वेशन चाहिए. मतलब यहां पे एक्स की भी पावर कंपलसरी क्या चाहिए, वन, जहां कुछ नहीं दिया होता है वह हमेशा वन होता है. और ए की भी पावर कंपलसरी क्या चाहिए, वन. और जहां पर थ्रू आउट द इक्वेशन पावर वन वन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. तो नीचे हमेशा आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चाहिए और ऊपर हमेशा इस फॉर्म में, जहां पर n और n इक्वल है, x तो खैर x रहेगा और a मतलब कौन, यहां पे जो x टेंस टू वैल्यू दी है वो. फॉर एग्जांपल देखो, x रेस टू 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2, ये आपको दिया है. लिमिट x टेंस टू 2, x रेस टू 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2, ठीक है. अब देखो, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट मेथड से जाऊं, डायरेक्ट मेथड क्या बोलती है, जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू रख दो. तो यहां अगर मैं डायरेक्ट x की वैल्यू रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0. डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब समथिंग इज रॉन्ग. अब डायरेक्ट मेथड से जा नहीं सकते हो, तो अब आपने क्या करना है, रूल, कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो. तो देखो, अभी हमने एक रूल देखा था, x रेस टू 5, इसी को मैं इस तरह लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू 2 x रेस टू 5 एज इट इज माइनस 32 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 रेस टू 5. 32 मतलब ही क्या होता है, 2 रेस टू 5, क्योंकि 2 रेस टू 5 करके देख लो 32 होता है, अपॉन x माइनस 2, फिनिश. आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, x टेंस टू 5 हो गया. माइनस यहां पे कौन आना चाहिए था, ए. ए यानी कौन, जो लिमिट एक्सटेंस टू वैल्यू होती है वही यहां पे आनी चाहिए. देखो, यहां लिमिट एक्सटेंस टू 2 है, यहां पर 2 आया. रेस टू सेम पावर चाहिए, मैंने रूल में वही बताया था, जो पावर एक्स की है वही पावर ए की चाहिए. देखो, सेम पावर है. अपॉन नीचे क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन एक्स माइनस 2. देखो, यहां पर लीनियर इक्वेशन है, ऊपर जो आपको रेस टू फाइव में दिया है वो जैसे कि वैसा इक्वेशन नीचे है, बट इन लीनियर फॉर्म. मतलब यहां पे पावर स्ट्रिक्टली कितनी है, 1 1.
तो जब जब ये आपको दिख जाए इस स्ट्रक्चर को पकड़ लो, ये बन गया आपके लिए एक कंटूर स्ट्रक्चर, और इसका सीधा आंसर क्या हो जाता है, ये जब जब आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाए उसका बिना सोचे समझे आंखें बंद करके ये आंसर लिख दो, n, n मतलब क्या, जो x की पावर है, x की पावर कितनी यहां पे 5, सो 5 इंटू ए रेस 2, ए कितना यहां पे 2, बराबर, ये 5 मतलब कौन है, ये 5 मतलब n है, ये 2 मतलब कौन है, ये 2 मतलब a है, ठीक है, सो 5 यानी n इंटू ए, ए यानी 2 रेस टू n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, सो खत्म, 5 इंटू 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 कितना होता है 16, सो 5 इंटू 16 आंसर इज 80, खत्म। देखो दोस्तों, जो आप डायरेक्ट मेथड से जा रहे थे और यहां पे अगर आप 2 लिख देते थे तो 2 माइनस 2 0 हो जाता था, डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब इनवैलिड आंसर, और उसी को बचाने के लिए लिमिट ने अपना एक हथियार कुर्बान कर दिया, ठीक है, क्या किया उसने, उसने आपको बता दिया कि जब जब इस फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन फंक्शन दिखता है लिमिट x टेंस टू 2, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, यानी ऊपर x रेस टू n सेम माइनस, यहां कंपलसरी माइनस चाहिए, 2, 2 मतलब कौन, जो x की टेंस टू वैल्यू है वो यहां पे चाहिए, रेस टू सेम पावर जो x की है, अपॉन एज इट इज इक्वेशन नीचे, बट रेस टू पावर नहीं चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली 1 चाहिए, देखो यहाँ एज इट इज इक्वेशन नीचे आया है, सिर्फ रेस टू पावर उड़ गई, तो इस कंटूर का, इस स्ट्रक्चर का आंसर क्या होता है, n इंटू ए रेस टू n माइनस 1, वही किया मैंने, 5 इंटू 2 रेस टू 5 माइनस 1 आंसर आ गया 80, ठीक है, लिख लो, पहले तो रूल लिखो और बाद में उसका एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रूल, उसका एग्जांपल। अब देखो सेकंड रूल, एक एक रूल पहले हम देख लेंगे, उसके हम एग्जांपल ले लेंगे। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है, सो देखो, जब जब आपको इस तरह से दिखे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहां कंपलसरी जीरो चाहिए, अगर यहां जीरो दिखा और इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसका आंसर होता है लॉग ऑफ ए। स्ट्रक्चर को पहले समझो, अगर आप स्ट्रक्चर को बाय हार्ट कर लोगे ना बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो क्या चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कंपलसरी जीरो चाहिए। इसके पहले वाले इसमें क्या था, ए, ए मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी, 2, 3 माइनस 4 माइनस 8 चाहे जो मर्जी, मतलब ए कुछ भी अलग अलग रूप लेकर आ सकता है, बट यहां पे फिक्स है एक्स टेंस टू कौन चाहिए, जीरो, और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर चाहिए, ए रेस टू एक्स, ए मतलब क्या, अगेन कोई भी कांस्टेंट, ए मतलब कोई भी कांस्टेंट, रेस टू कंपलसरी एक्स या एक्स का कोई तो फंक्शन, ठीक है, कंपलसरी एक्स मतलब क्या, एक तो एक्स चाहिए या फिर एक्स रिलेटेड कोई तो फंक्शन चाहिए, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक्स ही चाहिए, एक्स रिलेटेड कोई भी फंक्शन। माइनस वन मतलब यहां कंपलसरी क्या चाहिए, अगेन माइनस साइन, और माइनस साइन के बाद कंपलसरी वन ही चाहिए, वन भी क्या है, कांस्टेंट, अपॉन एक्स। ये एक्स मतलब क्या है, जो ऊपर आपको फंक्शन दिख रहा है वो जैसे कि वैसे नीचे चाहिए, मतलब चलो मैं यहां एक्स की जगह काम करता हूं, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूं, तो यहां पर भी क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेस टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, अब आपको पता है, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स का कोई तो फंक्शन, माइनस वन कंपलसरी माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब नीचे रेस टू पावर में जो एफ ऑफ एक्स है वो जो कि त्यो डिनोमिनेटर में अगर आ गया तो इस स्ट्रक्चर को भी पहले पकड़ लो, और उसके लिए बिना सोचे समझे बिना कुछ टेंशन लिए आंखें बंद करके आंसर लिख दो लॉग ऑफ ए।
ए मतलब क्या, यहां पे जो आपको दिया है वैल्यू उसकी आंसर लॉग ऑफ ए। एग्जांपल देखना है सो देख लो। सपोज ऐसा आपको दिया है लिमिट एक्स टेंस टू टू, ए रेस टू टू ए रेस टू एक्स माइनस वन, एक्स टेंस टू टू अगर रहा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। जैसे आपको x टेंस टू टू फाइव एट नाइन समथिंग समथिंग कुछ भी दिखा तो ये फॉर्मूला फेल, क्योंकि मैंने पहली ही चीज क्या बोली थी, लिमिट x टेंस टू कंपल्सरी क्या चाहिए, जीरो। सो देखो फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दिया हूं, लिमिट x टेंस टू जीरो। अब देखो अगर मैं यहां पर a रेस टू x माइनस वन, अब a के जगह मैं लिख देता हूं टू, a क्या है कोई तो एक कॉन्स्टेंट है, मैंने वो ले लिया टू, रेस टू एक्स माइनस वन, माइनस वन कंपल्सरी चाहिए, अपॉन एक्स। अब इन दोनों को कंपेयर करो, सेम मिल गया आपको, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, एक्सटेंस टू जीरो, ए ए की जगह आ गया टू, रेस टू कोई तो एक्स का फंक्शन, कोई तो एक्स का फंक्शन, माइनस वन अपॉन अगेन जो एक्स का फंक्शन ऊपर था वही नीचे है, जो एक्स का फंक्शन यहां था वही यहां है, एक्स एक्स डिक्टो सेम। तो इसमें बिना सोचे समझे सीधा आंसर क्या लिख दो। देखो अगर आप डायरेक्ट मेथड से जाओगे ना, डायरेक्ट मेथड से, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, जीरो, सत्यानाश। लिमिट्स चैप्टर का जन्म क्यों हुआ है, मैंने आपसे पहले कहा है लिमिट्स चैप्टर का जन्म हुआ है कि अगर आपका आंसर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वो कैसे बचाए और कैसे आपको एक वैलिड आंसर दे, डिनोमिनेटर में जीरो यानी इनवैलिड, तो उससे बचकर कैसे आपको एक वैलिड आंसर दे, उसके लिए लिमिट्स चैप्टर प्रकट हुआ है, धरती पर आया है, ठीक है, उसका जन्म हुआ है। तो खत्म, यहां पे अगर आप डायरेक्ट जीरो लिख दोगे तो खत्म, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, अगेन नॉट अलाउड। तो बट जरूरत भी नहीं ना, लिमिट्स चैप्टर ने आपको बोला है कि जब जब उसका एक खुद का रूल है, एक लॉ है कि जब जब ऐसे फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर दिख जाए, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, एक्सटेंस टू जीरो, ए रेस टू एक्स, यहाँ पे एक ही जगह हो गया टू, रेस टू फंक्शन क्या है यहाँ पे x माइनस वन, और जो ऊपर फंक्शन है वो वैसे की वैसे नीचे, तो इसका सीधा आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ a, यहाँ a मतलब कौन है, टू, फिनिश, लॉग ऑफ टू इज द आंसर। डायरेक्ट मेथड से जाते तो डिनोमिनेटर में जीरो आता था जो कि नहीं चाहिए और वो है भी नहीं आंसर, आंसर है लॉग ऑफ टू जो कि वैलिड आंसर है, क्लियर। बस देखो और एक एग्जाम्पल, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, 2 raise to, या कंपल्सरी x tends to 0 आ गया, 3 raise to 2x minus 1 upon x, देख लो कंपेयर कर लो, लिमिट x tends to 0 है, हाँ है, a है, हाँ है, a की जगह यहाँ पे 3 आया है, raise to function of x है, हाँ है, इस बार कौन सा फंक्शन है, 2x, minus 1 है, हाँ है, upon जो raise to power है x की वही नीचे है, नहीं है, यहाँ raise to power कितनी है, 2x, बट यहां हमारे पास कितना है, सिर्फ x, तो यहां 2x लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्या यहां अपना रूल चलता है कि बस मन हुआ मल्टीप्लाई कर दो, जहां आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है उसका तुरंत आपको सेटलमेंट भी करना होगा, बराबर। मुझे यहां पे रूल क्या है कि जो a की रेस टू पावर है जैसे कि वैसे नीचे चाहिए, बट उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, सिर्फ x दिया था, फिर से देखो उसने हमें सिर्फ x दिया था, बट यहां पे तो 2x है, तो यहां 2x लाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया एकदम आवाज आई कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो आप यहां पे वैल्यू, यहां पे आप वैल्यू बदल रहे हो, तो तुरंत उसका मुझे हर्जाना पे करना होगा। देखो आप कहीं गए हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आपके बॉल से कांच टूट गया तो तुरंत आपको उसको पैसे दे देना होता है, बाइक चलते चलते किसी को आपने एक्सीडेंट कर दिया, उसका बड़ा नुकसान किया है, उसको हर्जाना देना होता है, पैसा देना होता है। सेम वहां पर आपने एक्स्ट्रा टू ले लिया है, क्वेश्चन ने आपको नहीं दिया था, तो एक्स्ट्रा टू अगर आपने ले लिया है तो उसका सेटलमेंट भी तो करना होगा, सो दैट वैल्यू शुड नॉट चेंज। तो मैंने जैसे ही टू से, फॉर द सेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लाने के लिए मैंने जैसे ही टू से मल्टीप्लाई किया था, तुरंत उसका सेटलमेंट क्या कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। मतलब देखो फिर से 2 कैंसल, 2 कैंसल हुआ, वैल्यू बदल रही है नहीं, 2 तो कैंसल हो रहा है, आपको एज इट इज मिल रहा है फंक्शन जो दिया था, बट अब देख लो
यहाँ पे देखो, मैं आपको चाहे तो एक स्टेप और करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपका ये था फर्स्ट, उसका आंसर तो डायरेक्ट आ गया। सेकंड आपको अगर मैं ये दे रहा हूँ तो मैंने क्या सेटलमेंट किया है, नीचे देख लो, मैंने 3 raised to 2x एज इट इज लिखा है, -1 एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे x था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 2x है तो मुझे यहाँ पर भी 2x चाहिए। बट मैंने अपने मन से अगर कोई भी चेंज किया है तो उसका सेटलमेंट मुझे तुरंत करना होता है, तो तुरंत मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। मतलब 2 कैंसल, आपको एज इट इज फंक्शन मिल रहा है जो ऊपर है। बट जैसे ही मैंने यहाँ 2 लिखा, देखो ये क्या बन गया, कंटूर, ये बन गया कंटूर। ये 1/2 को साइड में रखो, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन गया जो मैंने सर्कल किया है। लिमिट x टेंस टू 0 है, a रेस टू फंक्शन ऑफ x है, -1 है, अपॉन जो फंक्शन पावर ऊपर दिए आपको, a रेस टू जो भी x का फंक्शन है वो एज इट इज नीचे है, यस है। तो इसका सीधा आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया log ऑफ a, यहां a कौन है, 3, सो log ऑफ 3 अपॉन ये 1/2 कहा जाएगा, इसको आपने साइड में रखा है, ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ इसका आंसर है log ऑफ 3, लेकिन ये 1/2 भी तो है नीचे, तो इसको ये कहां पर है, डिनोमिनेटर में, इसलिए इसको अपॉन 1/2 एज इट इज लिख दो। अब 1/2 ऊपर गया, क्या हो जाएगा, 2/1। ये चीज तो आपको पता ही होती है कि कोई फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर में है वो अगर ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। सो 1/2 डिनोमिनेटर में वो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, 2/1 इंटू लॉग ऑफ 3 एज इट इज। तो देखो आंसर क्या हो गया, 2 log 3, फिनिश, आंसर हो गया 2 log 3, लिख लो। ठीक है, सो देखो एक बार फिर से समझ लो, स्ट्रक्चर क्या होता है, x टेंस टू 0, a रेस टू फंक्शन ऑफ x, -1 कंपलसरी, अपॉन सेम फंक्शन नीचे चाहिए। तो इसका सीधा आंसर आंखें बंद करके लिख दो log ऑफ a। ये रहा उसका एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 0, 2 raised to x, -1 और सेम x नीचे आ गया, तो इसका आंसर हो गया log ऑफ 2। सेम दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा ट्विस्टेड था, लिमिट x टेंस टू 0, 3 raised to 2x, -1 अपॉन x, लेकिन रूल क्या है कि जो, चलो लिमिट x टेंस टू 0 है, a रेस टू फंक्शन ऑफ x है, -1, बट जो रेस टू पावर ऊपर है वो नीचे चाहिए, तो तुरंत मैंने क्या कर दिया, यहाँ x है इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2x आ गया। बट जैसे मैंने अपनी मन से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, उसका सेटलमेंट तुरंत क्या कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 कैंसल, एज इट इज फंक्शन आपका ऊपर वाला बरकरार है। बट इस चक्कर में क्या हो गया, मेरा एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन गया जिसका आंसर कितना है, log ऑफ a, a है 3, अपॉन ये जो एक्स्ट्रा 1/2 बच गया उसको एज इट इज लिख दो, उसको छोड़ना नहीं है, ये तो हमारी सेटलमेंट है। और 1/2 फिर फ्रैक्शन है, ऊपर गया हो गया 2/1, सो इसलिए 2 into log 3, 2 log 3, फिनिश। ठीक है, सो नेक्स्ट थर्ड देखना, थर्ड रूल बिल्कुल ईजी है, क्योंकि थर्ड रूल इसी का भाई है। अभी हमने क्या देखा था, लिमिट x टेंस टू 0, a रेस टू x, -1 अपॉन x, x मतलब हमने क्या देखा था, फंक्शन ऑफ x, बराबर। तो सिर्फ यहां पे क्या कर देना है, a के जगह अगर e आता है, a मतलब क्या है, a मतलब एनी कॉन्स्टेंट, 2, 5, 8, 10, 15, चाहे जो, बट ए के जगह अगर आपको ई आ गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ई आ गया, तो उसका सीधा आंसर लिख देना है 1। मतलब ये बिल्कुल अलग नहीं है, अगर ई के अलावा कोई दूसरा कांस्टेंट आता है, 2, 3 वगैरह वगैरह, तो उसका आंसर होता है log ऑफ ए। बट ए के जगह अगर उसी स्ट्रक्चर में ई आ जाता है, बाकी चीजें एज इट इज, तो उसका आंसर क्या होता है, 1। फॉर एग्जाम्पल देखो, लिमिट x टेंस टू 0, e रेस टू x, -1,
या फिर e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x, तो देख लो एज इट इज हो गया, लिमिट एक्सटेंस टू 0 आ गया, e रेस टू 2x है, माइनस 1 कंपलसरी, जो रेस टू पावर ऊपर है वही नीचे है, तो इसका आंसर क्या आता है 1। ठीक है, दूसरा एक और एक एग्जांपल, अगर इस तरह से होता था लिमिट एक्सटेंस टू 0 e रेस टू 5x माइनस 1 अपॉन x, तो अगेन सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ये, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x टेंस टू 0 तो है, e है, रेस टू पावर ऑफ x है माइनस 1 अपॉन, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो ऊपर पावर है एज इट इज नीचे, बट यहाँ तो सिर्फ x है, तो मैं क्या कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई, बट जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई की क्या आवाज़ आ रही है, ये नहीं कर सकते, इसका सेटलमेंट क्या कर दिया 1/5 से तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई किया 5 से डिवाइड भी कर लिया, मतलब 5-5 कैंसिल, आपको सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्या हो जाएगा अगर 5-5 कैंसिल हुआ तो गया ये सब, आपको फिर से वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर मिल गया, खत्म, बट ये हमने क्यों किया, सिर्फ वो स्ट्रक्चर लाने के लिए, हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, जो e के रेस टू पावर है वही नीचे आ गई, तो ये बन गया स्ट्रक्चर, उसका आंसर क्या होता है 1, बट इसका आंसर सिर्फ 1 है, ये अपॉन 1/5 तो है, तो तुरंत ये 1/5 लिख लो, अगेन फ्रैक्शन ऊपर गया तो क्या हो जाता है 5/1, 5/1 इंटू 1, मतलब आंसर इज 5, खत्म, आंसर इज 5, लिख लो। लिख लो आराम से, बहुत आसान है ये, एक बार अगर स्ट्रक्चर समझ गए ना आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, फोर्थ, लिमिट x टेंस टू अगेन 0 चाहिए, और अगर इस फॉर्म में है साइन ऑफ x अपॉन x, तो इसका आंसर होता है हमेशा 1, मतलब ये साइन क्या होता है आपको पता है, साइन ऑफ एंगल, ये x क्या है, साइन ऑफ एंगल, मतलब लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन ऑफ एंगल, ये x एंगल है, और साइन ऑफ जो एंगल है वो वैसे की वैसे अगर नीचे आ जाए, देखो यहाँ पे x है वो वैसे की वैसे नीचे आ गया, तो इस पूरे स्ट्रक्चर का आंसर होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर का आंसर होता है 1, मतलब यहाँ पर भी आपको क्या याद रखना है, लिमिट एक्सटेंस टू 0 चाहिए, साइन ऑफ जो भी एंगल चाहिए वो एज इट इज नीचे आ जाना चाहिए, तो इस पूरे स्ट्रक्चर का आंसर हो गया 1। सो देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 5x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 कंपलसरी चाहिए जो कि है, अब मुझे बताओ अगर मैं ये 0 यहां पे रख दूं तो खत्म, फिर से क्या हो गया, यहां डिनोमिनेटर में x है, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दूं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x, जो कि इनवैलिड है, तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे फंक्शन के लिए हमारे पास अगेन लिमिट्स ने एक रूल दिया है कि साइन ऑफ जो भी एंगल है, सबसे पहले तो लिमिट x टेंस टू 0 अगर दिया है और आगे साइन ऑफ कुछ तो एंगल आपको दिया है, और वो एंगल एज इट इज अगर नीचे आ जाए तो उसका आंसर सीधा लिख दो 1। बट मुझे बताओ लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन है, साइन ऑफ एंगल भी दिया है, लेकिन क्या ये एंगल एज इट इज नीचे है, नहीं, इधर है 5x, आपका आया है सिर्फ x, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, साइन का जो एंगल है वो वैसे की वैसे नीचे, और तुरंत मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसका सेटलमेंट क्या कर दूंगा
5 से डिवाइड कर दूंगा। मतलब क्या हुआ, अगेन 5 5 कैंसल, आपको फिर से वही क्वेश्चन मिल गया जो दिया था। क्वेश्चन देखो आपको एक अगली स्टेप में लिखता हूँ चाहे तो मैं, क्वेश्चन आपको ये दिया था, इसका आंसर पूछा था, डायरेक्ट मेथड से जाते तो डिनोमिनेटर में जीरो है, छोड़ दो वो मेथड, तो तुरंत ये स्ट्रक्चर बाय हार्ट कर लो। ये आपको बोलता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, साइन ऑफ कुछ तो एक्स की वैल्यू है और वो वैल्यू नीचे लाना है, तो यहाँ तो एक्स थी, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका सेटलमेंट तुरंत 5 से डिवाइड कर दिया। 5 5 कैंसल, आपको जो ऊपर वाला फंक्शन है एज इट इज मिल रहा है, मतलब वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदल रही है, लेकिन ये चक्कर में मुझे क्या मिल गया, स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर का आंसर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल 1, बट 1 तो इस स्ट्रक्चर का आंसर है, अपॉन 1/5 तो नीचे है बस, सो 1/5 ऊपर गया, 5/1, यानी आंसर इज 5, खत्म। बस सेटलमेंट है, कैसे एडजस्टमेंट करना है वो है, सारे रूल को बाय हार्ट करो और उसके हिसाब से कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करना है बस वो हमें सीखना है, आ गया आंसर 5। और यही रूल उल्टा भी अप्लाई होता है, मतलब अगर देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर उल्टा हो जाए, एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाए, यहां पे क्या था हमारा, साइन ऑफ कोई तो फंक्शन ऑफ एक्स और वो फंक्शन एज इट इज नीचे, अगर उल्टा भी हो जाए, एक्स अपॉन साइन ऑफ कुछ तो एंगल, मतलब जो ऊपर फंक्शन है साइन ऑफ उसी का एंगल, अगर ऐसा भी हो जाए तो आंसर उसका होता है 1। ठीक है, इसका भी अगर एग्जांपल देखना है तो देख लो, अगर आपको दिया है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन ऑफ 7x, तो रूल क्या है, ऊपर नीचे जो साइन ऑफ एंगल है वो एज इट इज ऊपर चाहिए, सो एज इट इज ऊपर लाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ 7x है बराबर, बट हमारे पास ऊपर क्या है सिर्फ x, तो हम क्या कर लेते हैं 7 चिपका दिया उसके साथ, बट एक्स्ट्रा चिपकाया है तो उसका सेटलमेंट क्या करना होगा, 1/7, मतलब अगेन 7 7 कैंसल, आपको फिर से क्या मिला, वही जो दिया है, बट ये चक्कर में आपको क्या मिल गया, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जिसका आंसर क्या होता है अकॉर्डिंग टू रूल, ये भी एक रूल ही है ना, इसका आंसर क्या होता है 1, कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, एक्स की कोई तो वैल्यू है अपॉन साइन ऑफ सेम वैल्यू है, एक्स की क्या वैल्यू है 7x, साइन ऑफ भी 7x, तो इसका आंसर हो जाता है 1 इनटू जो एक्स्ट्रा सेटलमेंट किया था 1/7 वो। इस स्ट्रक्चर का आंसर 1 इनटू 1/7, इस बार 1/7 कहा है न्यूमरेटर में ही है, इसलिए 1/7 इनटू 1 आंसर इज 1/7, खत्म, आंसर इज 1/7 हो गया। तो याद रखो ये साइन का रूल आप उल्टा सीधा दोनों बार अप्लाई कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है, एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स भी 1 होता है, ठीक है, उल्टा सीधा दोनों अप्लाई होगा, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट 5th रूल, बिल्कुल जैसे 2nd और 3rd रूल भाई भाई थे उसी तरह 4th और 5th रूल भी भाई भाई है, सिर्फ 4th रूल आपने किस पर देखा, साइन पर, तो 5th रूल है टैन पर। ठीक है, लिमिट अगेन x टेंस टू जीरो टैन ऑफ x अपॉन x इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सेम वही, सिर्फ ऊपर साइन के जगह क्या आ गया टैन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कंपलसरी चाहिए, टैन ऑफ कुछ तो फंक्शन ऑफ एक्स और वही फंक्शन नीचे, एग्जैक्ट वही फंक्शन अगर नीचे है तो इस स्ट्रक्चर का आंसर होता है 1। और यहां पर भी उल्टी चीज अप्लाई होती है, इसी को आप इस तरह लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो उल्टा एक्स अपॉन टैन एक्स, तो भी आंसर 1 है।
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, लिमिट x टेंस टू जीरो तो आपको दे दिया है, टेन ऑफ 3x दे दिया है अपॉन नीचे x दिया है, तो तुरंत क्या कर लोगे, यहाँ 3x है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 सेटलमेंट, तो क्या हो गया, ये बन गया कंटूर। कंटूर का आंसर क्या होता है, 1 अपॉन 1 बाय 3, 1 बाय 3 ऊपर गया 3 बाय 1 मतलब ही 3, 3 बाय 1 मतलब ही क्या होता है, ये अपॉन 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिनिश। ठीक है, डायरेक्ट मतलब आपको क्या दिया था, यहाँ पे सिर्फ x दिया था, वो सेटलमेंट आपने नीचे कर ली, इस तरह से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, tan of 3x अपॉन 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया और 3 से यहाँ एक्स्ट्रा डिवाइड किया सेटलमेंट के लिए, और बाकी जो हुआ आंसर वो यहाँ पे है, ये स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर का आंसर 1 अपॉन 1 बाय 3, 1 बाय 3 ऊपर गया, ये बन गया 3। क्लियर, सो सेम टैन के लिए, और वही अगर उल्टे में भी होता तो एज इट इज अप्लाई करते थे, यहाँ पे टैन का जो एंगल होता था वही एंगल ऊपर एडजस्ट करते थे और आंसर निकाल लेते थे। लिख लो, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ रूल, लिमिट x टेंस टू अगेन जीरो, फिर से जीरो, 1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ई। बहुत अच्छी से समझो इस स्ट्रक्चर को, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, मतलब x टेंस टू 0 चाहिए, कंपल्सरी 1 चाहिए, कंपल्सरी इस बार प्लस चाहिए, 1 प्लस समथिंग ऑफ x, x की कुछ तो वैल्यू, ठीक है, x की कुछ तो वैल्यू, और वो जो वैल्यू है उसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू है, यहाँ 2x होगा तो उसका रेसिप्रोकल 1 बाय 2x, यहाँ 5x होगा तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाय 5x, यहाँ जो x की वैल्यू है उसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल अगर यहाँ पे आ गया रेस टू पावर में, तो इस पूरे स्ट्रक्चर का आंसर क्या होता है, सिर्फ e, फिनिश। देख लो एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 3x अपॉन 1 बाय 3x, देखो लिमिट x टेंस टू 0 है बराबर, 1 प्लस है, कोई तो फंक्शन है x का और उसी का रेसिप्रोकल यहां पर है रेस टू पावर में, 3x का रेसिप्रोकल 1 बाय 3x, तो इसका सीधा आंसर क्या हो गया, e। और एक देख लो, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 5x रेस टू 1 बाय एक्स। अब देख लो, 1 प्लस 5x है, लिमिट x टेंस टू 0 है, 5x है, तो रेसिप्रोकल किसका चाहिए था, 5x का, लेकिन उसने किसका रेसिप्रोकल दिया आपको, सिर्फ x का, मतलब अभी भी कुछ तो गड़बड़ है। तो चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, रूल क्या है हमारा, अब आपको इतना तो समझ गया होगा लिमिट्स चैप्टर मतलब क्या है, सारे रूल्स को सारे लॉज को बाय हार्ट करो और दिए हुए क्वेश्चन को उस ढांचे में ढाल दो, दिए हुए क्वेश्चन को उस स्ट्रक्चर में लाने के लिए पूरी तरह जी जान लगा दो। ठीक है, तो यहां पे देखो, लिमिट x टेंस टू 0 एज इट इज, 1 प्लस एज इट इज, 5x एज इट इज, 1 बाय एक्स है यहां पर, तो चलो मैं अपने मन से 5 लगा देता हूं, आपको क्या चाहिए था, जो भी यहां x का फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल, तो यहां 5x है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 बाय 5x, उसने दिया था सिर्फ x, मैंने अपने मन से 5 भी लगा दिया, तो देखो अगर मैं एक्स्ट्रा यहां 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तुरंत मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, मतलब सेटल, 5x का रेसिप्रोकल था 1 बाय 5x, यहां सिर्फ x था तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट जैसे मल्टीप्लाई किया अपने मन से मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, कोई भी एडजस्टमेंट में वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मैंने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, देखो फिर से 5 5 कैंसिल, आपको एज इट इज ऊपर वाला फंक्शन मिल रहा है,
मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं, बट इस चक्कर में क्या हो गया, हमें मिल गया हमारा स्टैंडर्ड कंटूर, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस जो भी x की वैल्यू है उसका एज इट इज रेसिप्रोकल आपको मिल गया है, तो इसका आंसर क्या होता है, e, बट e तो आंसर इस कंटूर का है, ये रेस टू 5 भी तो है, सो इसलिए रेस टू 5, ये हमेशा जो भी एडजस्टमेंट होगी ना यहाँ की, ये रेस टू पावर में आएगी, यहाँ आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो रेस टू पावर में आएगी, सो e रेस टू 5, खत्म, लिख लो। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 6, मतलब रूल नंबर 6। अब देखो रूल नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 0, फिर से 0, मतलब सिर्फ वो पहला वाला था जहां लिमिट x टेंस टू a था, बाकी सब में 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स, और जो लॉग चाहिए, वन प्लस चाहिए कंपलसरी, लेकिन उसके बाद जो एक्स की फंक्शन है वो एज इट इज अगर यहां पर है तो इसका आंसर भी होता है 1। क्या रूल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस कंपलसरी चाहिए, प्लस के बाद जो भी एक्स का फंक्शन है वो अगर एज इट इज नीचे है तो इस कंटूर का आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, देख लो एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 0 चाहिए log ऑफ 1 प्लस जो भी x है, क्या है इस बार x की 3x वाला फंक्शन, अगर वो एज इट इज नीचे है तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, खत्म, बिना सोचे समझे डायरेक्ट 1 लिख दो। देखो डायरेक्ट मेथड से अगर जाओगे, यहां 0 लिखोगे तो 3 इंटू 0 0, डायरेक्ट मेथड से x के जगह अगर 0 रख दिए तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, अगेन डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, बट जरूरत भी नहीं डायरेक्ट मेथड की, क्योंकि लिमिट का अपना खुद का एक रूल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, मतलब प्लस के बाद जो भी x का फंक्शन है एज इट इज नीचे अगर है तो इसका आंसर होता है 1। अगेन देख लो और एक एग्जांपल एडजस्टमेंट वाला, log ऑफ 1 प्लस 8x अपॉन x, तो क्या करूंगा मैं तुरंत, 1 प्लस, चलो यहां तक सब ठीक है, सब बराबर है, बट यहां पे फंक्शन क्या है x का, 8x, बट मेरे पास क्या है, सिर्फ x, तो क्या करूंगा मैं, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, कितने सारे फंक्शन हमने ऐसे देख लिए हैं, 1 प्लस 8x एज इट इज, x के साथ 8 चिपका दिया, जैसे ही उसका सेटलमेंट करना है 1 बाय 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड किया, सेटल हो गया, बट इस चक्कर में क्या हो गया, ये बन गया स्टैंडर्ड कंटूर जिसका आंसर होता है 1, प्लस के बाद जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर में 1 बाय 8 लिया है वो ऊपर गया तो क्या हो गया, 8 बाय 1, यानी आंसर इज 8, फिनिश। ये था 7th रूल, लिख लो। लिख लो आराम से, हर चीज समझ के लिखो। ठीक है, देख लिए हमने रूल्स। अब देखो, अब सिर्फ मैं एक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लेता हूं,
और उसको अलग अलग, पहले तो आपको सोचना है, आपने टोटल 7 रूल देखे हैं, 7 रूल में से कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा पहले वहां पे सोचो, और फिर वो रूल को बराबर जैसे हमने मैथमेटिकल एडजस्टमेंट अभी सीखी है उस तरह से एडजस्ट करो, उसको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में लाओ और आंसर निकालो, ठीक है। तो चलो पहला हम देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, अब यहाँ से हमारे जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन वन, लिमिट x टेंस टू जीरो x माइनस साइन x अपॉन x। अगेन डायरेक्ट मेथड की अगर सोचोगे तो क्या होगा, यहां पर जैसे ही आपने जीरो रखा डिनोमिनेटर जीरो, इनवैलिड सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट मेथड हो नहीं सकता, आप सोचो क्या करे क्या करे क्या करे, तुरंत आपने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये डिनोमिनेटर मैं अलग अलग बांट सकता हूँ ना, ये डिनोमिनेटर पूरे इस इक्वेशन को है, मतलब इस डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, ये हमेशा अलाउ होता है, मतलब मैं x को अलग से डिनोमिनेटर दे दूँ और साइन x को अलग से डिनोमिनेटर दे दूँ, चलता है। अब देखो एक्स एक्स कैंसल, क्या बचा, एक्स एक्स कैंसल, यह बचा वन माइनस, ये तो बन गया स्ट्रक्चर। आपने देखा था लिमिट x टेंस टू जीरो अगर साइन x अपॉन x है तो इसका आंसर भी क्या आता है, वन। सो वन माइनस वन आंसर इज जीरो। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप लिमिट्स ये हमेशा एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में बांट सकते हो, मतलब कैसे, देखो अगर लिमिट x टेंस टू जीरो f of x into g of x ऐसा है तो आप ये लिमिट दोनों को अलग अलग बांट सकते हो, मतलब x यहां पे क्या है, ये लिमिट दोनों को एक साथ में है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये लिमिट f of x को अलग से दे सकता हूं into लिमिट x tends to zero g of x को अलग दे सकता हूं। उसी तरह अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में है, लिमिट x tends to zero f of x एडिशन या सब्सट्रैक्शन g of x, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी दोनों फंक्शन को ये लिमिट अलग अलग दे सकते हो, मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो f of x, अगर प्लस रहा तो प्लस लिख दो, माइनस रहा तो माइनस लिख दो, लिमिट x टेंस टू जीरो g of x। तो मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शन अगर साथ में है फिर भी आप लिमिट उनको सेपरेट सेपरेट बांट सकते हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन में अगर दो फंक्शन साथ में फिर भी आप लिमिट उनको सेपरेट सेपरेट बांट सकते हो, ठीक है। एंड सेम फॉर डिवीजन, अगर दो फंक्शन एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, अगर आपको लिमिट को सेपरेट बांटने की नौबत आई तो आप बिंदास बांट सकते हो, मतलब ये लिमिट इन दोनों को एक साथ में था तो मैंने न्यूमरेटर को अलग से बांट दिया, डिनोमिनेटर को अलग से बांट दिया, ठीक है, तो आप ये बिंदास कर सकते हो। तो देखो मैं यही यहां पे यही करता हूं, चलो सबसे पहले तो मैंने x अपॉन x कर दिया, अब क्या करता हूं मैं, यहां माइनस है लेकिन मैं लिमिट दोनों को सेपरेट बांट सकता हूं, सो ये x अपॉन x माइनस, माइनस रहा तो माइनस लिखो, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x। मुझे बताओ x x कैंसिल, यहां बचा क्या, वन, जब यहां वन ही बचा है, कॉन्स्टेंट ही बचा है तो लिमिट का कोई काम ही नहीं है, लिमिट और फंक्शन ये सब क्यों होते हैं, एक्स के लिए, जब एक्स ही चला गया ना रहेगा बाज ना बजेगी बासरी, जब एक्स ही चला गया है तो लिमिट का काम ही नहीं है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लिख दो, एक्स एक्स कैंसिल, बचा क्या, वन, ठीक है, माइनस। अब देखो ये बन गया स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, रूल नंबर कौन सा था हमारा, ये फोर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ समथिंग ऑफ एक्स, और जो समथिंग ऑफ एक्स है वही अगर नीचे है, यह साइन क्या है, साइन ऑफ एक्स है और वो एक्स वैसे की वैसे नीचे है तो इस कंटूर का आंसर क्या होता है, वन। सो ये वन माइनस ये वन आंसर इज जीरो, खत्म, वन माइनस वन जीरो, और जीरो पूरी तरह वैलिड आंसर है, जीरो अगर आंसर आता है तो रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेना है, जीरो ये डिफाइंड सॉल्यूशन है, जीरो ये वैलिड आंसर है, हाँ अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो ये इनवैलिड है, ये तो क्या है, न्यूमरेटर में जीरो है ना, जीरो अपॉन वन है, जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका वन होता है, सो जीरो बिल्कुल आंसर वैलिड है, ठीक है। तो ये रूल भी लिख लो कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में आप लिमिट्स बांट सकते हो,
ठीक है, साथ में और एक चौथा रूल भी लिख लो, लिमिट x टेंस टू जीरो या x टेंस टू कोई भी है a b c d ऑफ एनी कांस्टेंट। अगर लिमिट के अंदर में कोई कांस्टेंट है, मतलब x नहीं है कोई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं c बोल देता हूँ, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप c लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे क्या हुआ था, x x कैंसिल हुआ था, मतलब क्या बचा था, वन बाय वन। सो लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ बचा सिर्फ वन, वन क्या है, कांस्टेंट है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, दैट कांस्टेंट ओनली। लिमिट x टेंस टू जीरो ऑफ एनी कांस्टेंट इज c, मतलब अगर इस तरह भी आता है एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू जीरो 50,000, अगर इतनी बड़ी वैल्यू है लिमिट x टेंस टू जीरो 50,000, तो भी रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेना है। अगर लिमिट x टेंस टू जीरो कोई भी कांस्टेंट अगर है, यहां मुझे बताओ कहीं पर भी x का नामो निशान भी है, नहीं, बराबर, मतलब ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो अगर लिमिट के अंदर में कोई कांस्टेंट है तो लिमिट वैसे ही हट जाता है, लिमिट बोलता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, उसका पंगा किससे होता है, x का, x दिखा कि फिर वहां पे वो रूल और लॉज लगते हैं। अगर x नहीं है तो वैसे ही हट जाता है, सीधा आंसर क्या आ जाता है, 50,000, मतलब जो कांस्टेंट है वो, ठीक है। सो ये भी लिख लेना, लिख लो ये चारों रूल लिख लो, साथ ही में ये जो एक एग्जांपल हमने लिया छोटा सा उसका आंसर भी लिख लो। तो देखो कैसे हमने सॉल्व किया, सबसे पहले तो डायरेक्ट हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था, पहले डिनोमिनेटर सेपरेट बांट दिया, फिर लिमिट को सेपरेट बांट दिया, और बाद में यहाँ पे तो कांस्टेंट बचा, यहाँ पे कंटूर स्ट्रक्चर 1-1 0। लिख लो आराम से सब चीजें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर टू, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 + 1 - 5x / 1/x। देखो एक रूल हमने देखा था, कौन सा रूल था वो, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 + x है और अगर वो x का रेसिप्रोकल है तो इसका आंसर आता है e, ये रूल हमने देखा था, मतलब x टेंस टू जीरो चाहिए है, 1 चाहिए है, प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, पंगा, हमें चाहिए था प्लस लेकिन आ गया माइनस, ये एक प्रॉब्लम हो गया। अगेन जो कुछ तो x की फंक्शन चाहिए था, चलो वो है, और इसी फंक्शन का रेसिप्रोकल रेस टू पावर में चाहिए, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, बट यहाँ 5x का रेसिप्रोकल क्या आता है, 1/5x, बट उसने हमें दे दिया है सिर्फ 1/x, मतलब यहाँ दो दो पंगे हो गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ प्लस लाना जरूरी है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर ए लिख देना है स्ट्रक्चर में लाने के लिए, आपको पहले क्या करना है, यहाँ प्लस लाना जरूरी है और यहाँ पे 5x का रेसिप्रोकल यानी 1/5x लाना जरूरी है। तो देखो अब कैसे सॉल्व करना है, लिमिट x टेंस टू जीरो 1, चलो प्लस लाना है, मैं प्लस लिख दिया, ठीक है प्लस लाना है, मैंने प्लस लिख दिया, अब ये माइनस का क्या करूंगा, मैं अपने मन से तो वैल्यू बदल नहीं सकता हूं, तो ये माइनस को मैं आगे सरका देता हूं,
ये माइनस को मैं 5x को चिपका देता हूं, देख लो, एक एक स्टेप समझ के देखो, क्योंकि जिसने पहले तो रूल को बाय हार्ट कर लिया, जो मैंने आपको 7 रूल लिख कर दिए हैं, वो रूल और किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है, इस मेथड को जिसने बाय हार्ट कर लिया, लिमिट्स उसका है, लिमिट्स क्या, फिर पूरा कैलकुलस उसका है। सबसे पहले तो रूल और किस तरह से हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो चीज। सो देखो, अब मुझे बताओ, रत्ती भर भी वैल्यू बदल रही है, 1 एज इट इज, प्लस चाहिए था, मैंने प्लस लिख लिया, लेकिन ये माइनस को मैंने हटाया नहीं है, ये माइनस क्या कर दिया, 5x को चिपका दिया, अपॉन 1/x एज इट इज, रेस टू 1/x। मुझे बताओ प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ये तो बेसिक बात है, सबको आपको पता है, प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस। तो देखो माइनस अभी भी बरकरार है, मतलब अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, इसको प्लस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो प्लस इंटू माइनस क्या होने वाला है, माइनस ही होने वाला है, मतलब ये माइनस साइन अभी भी वहीं पे है, सिर्फ मैंने उसको लिखने का ढंग बदल दिया, सो दैट मैं ये स्ट्रक्चर बराबर बना पाऊं, ठीक है। सो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस ही है, मतलब वैल्यू वही है। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 चाहिए था, मिल गया, 1 चाहिए था है, प्लस चाहिए था लेकर आए। अब रूल क्या है, प्लस के बाद जो भी x का फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे चाहिए, रेस टू पावर में, प्लस के बाद जो भी x का फंक्शन है, तो देखो यहाँ प्लस के बाद मेरा कौन सा फंक्शन है, ये, इसका रेसिप्रोकल मुझे चाहिए, प्लस के बाद मेरा ये पूरा फंक्शन है, इसका रेसिप्रोकल मुझे यहाँ चाहिए, तो यहाँ तो सिर्फ कितना है, एक्स, मुझे रेसिप्रोकल कितना, किसका चाहिए, माइनस 5x का, तो माइनस 5x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/-5x, तो यहाँ 1/x है, तो सिर्फ क्या कर दूंगा मैं, माइनस 5 चिपका दूंगा, बट अगेन माइनस 5 चिपका दिया है तो उसका सेटलमेंट कहाँ करूंगा, मल्टीप्लाई करके, प्लस के बाद जो भी x का फंक्शन होता है उसका आपको रेसिप्रोकल यहाँ चाहिए, सो माइनस 5x है, इस बार ये माइनस साइन भी कंसिडर करनी होगी क्योंकि प्लस के बाद वो भी है, सो आपके पास तो सिर्फ 1/x है, तो तुरंत माइनस 5x करने के लिए माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दिया, इन शॉर्ट इस पूरे इसमें यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे अगर माइनस 5 डिवाइड हो रहा है तो उसका सेटलमेंट यहाँ कर दिया, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो अगेन -5 -5 कैंसल, आपको ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज मिल रहा है, खत्म। बट ये करके क्या हो गया, ये मिल गया मुझे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, जिस फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए था, लिमिट लिमिट 1+1+, कोई तो एक्स की वैल्यू, कोई तो एक्स की वैल्यू, उसी का रेसिप्रोकल लिया, उसी का रेसिप्रोकल लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर का आंखें बंद करके ई, और उसका सेटलमेंट जो यहाँ किया है, मैंने जब ये रूल बताया था तब भी कहा था कि ये सेटलमेंट हमेशा कहा आता है रेस टू पावर में, सो ई रेस टू माइनस 5, दिस इज द आंसर, लिख लो। बराबर एडजस्टमेंट समझ के लिखो, रैंडमली कोई भी रूल का मैं कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, आपको 7 रूल पता है, वो आपने सोचना है अब कि कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हमें बोलकर नहीं आएगी कि ये रूल यहाँ पे अप्लाई करो, ये तो आपको ही सोचना होता है, तो बस हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन 3, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1+8 × x/3 अपॉन एक्स, अगेन यहाँ लॉग दिखा, तुरंत लॉग वाला रूल, वो क्या बोलता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1+, कोई तो एक्स की टर्म, और वही एक्स की टर्म अगर नीचे है तो इस कंटूर का आंसर क्या होता है, 1। सो देखो यहां पर लिमिट है एक्स टेंस टू 0, यस, लॉग है, यस, 1+ है, यस,
कोई तो एक्स की टर्म है, यस। सो लेकिन वो टर्म क्या है, इट एक्स बाय थ्री। वो एज इट इज टर्म डिनोमिनेटर में चाहिए, बट डिनोमिनेटर में उसने क्या दिया है, सिर्फ एक्स। तो वो एज इट इज टर्म यहां लाने के लिए मैं क्या कर लूंगा, 8/3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब तक आप एक सिंगल सिंगल वैल्यू से कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां देखो इस बार ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से और नीचे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि प्लस के बाद जो है वो दिख तो नीचे आनी चाहिए। सो यहां था सिर्फ एक्स, तो इसलिए आपको 8/3 लाना था, 8/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तुरंत क्या करना होता है, उसका सेटलमेंट, जो 8/3 आपने अपनी मन से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है उसका सेटलमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ 3 से डिवाइड किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इन शॉर्ट, जो 8/3 से आपने मल्टीप्लाई किया है उसके रेसिप्रोकल से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्या होगा, अगेन 3 कैंसल, 8 कैंसल, फिर से आपको एज इट इज ऊपर वाला फंक्शन मिल गया, बराबर। सो 8/3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, उसका सेटलमेंट 3/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या बन गया आपका, कंटूर। इस कंटूर का स्टैंडर्ड आंसर है 1, बट ये 1 तो सिर्फ कंटूर है, नीचे और क्या है, 3/8। और आपको अभी मैंने काफी बार बता दिया है कि 3/8 फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, 8/3, फिनिश। 8/3 इज द आंसर, लिख लो। ठीक है, देखो अब और एक, बस मैं अब आपकी स्ट्रक्चर रूल तो बता दिया, बस कैसे अप्लाई करना है, कैसे एडजस्टमेंट है, बस उससे आपको मैं फैमिलियर करा रहा हूँ। ये सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है, लिमिट्स का। क्योंकि ये क्लियर हो गया तो आगे से फिर हम कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन फटाफट मस्त कर लेंगे। नाउ फोर्थ और एक क्वेश्चन लेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ 100 प्लस log of 0.01 plus x upon x। देखो बड़ा सा फंक्शन, log of 100 plus log of 0.01 plus x upon 100 upon x। अब हमने जो log का फॉर्मूला देखा था वो तो बस इतना ही था, log of 1 plus x upon x is equal to 1, बस वो तो सिर्फ इतना ही था। यहाँ पे तो दो दो लॉग है, तो सबसे पहले दिमाग में वही लाओ कि हमें सिर्फ एक लॉग चाहिए था या दो लॉग है। अब दो लॉग का एक लॉग में कैसे कन्वर्ट करें, डेफिनेटली अगर यहाँ पे लॉग है तो ये क्वेश्चन लॉग का ही है, बट यहाँ पे दो लॉग आ गए हैं तो अब उसका एक लॉग में कैसे कन्वर्ट करें। तो तुरंत लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लाओ, हमने 10 तक ये सारी प्रॉपर्टीज सीखी है लॉग में, कि क्या था, देखो log of a plus log of b is always equal to what, log of a into b। अगर दो log आपको दिए हैं और दोनों log में addition है तो आप उसको single log में convert कर सकते हो by multiplying these two values, मतलब log of a plus log of b is equal to what, log of a into b, इस log की और इस log की value का multiplication। बस वो वाला रूल है, अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पे दो लॉग है, दो लॉग में प्लस है तो प्लस रहा तो तुरंत क्या कर दो, सिंगल लॉग में कर दो, और सिंगल लॉग में क्या करना होता है, सिंगल लॉग में इस लॉग की जो वैल्यू है और इस लॉग की जो वैल्यू है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 100 इंटू 0.01 प्लस x, ठीक है, दो लॉग, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, सो प्लस है इसलिए लॉग ऑफ a इंटू b, इस रूल से स्कूल में सीखा है, नहीं भी पता तो लिख लो, ये एक रूल होता है, अपॉन x एज इट इज, जो x है वो एज इट इज, ठीक है। तो इस ब्रैकेट ने और इस ब्रैकेट ने एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंगल लॉग मिल गया। अब देखो क्या करता हूं मैं, और लॉग ऑफ,
अब 100 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब 100 इस ब्रैकेट के सब टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, सो 100 इंटू 0.011, 100 इंटू 0.01 कितना होता है 1, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, 100 इंटू एक्स 100x, खत्म, मिल गया, लिमिट x टेंस टू 0 है, लॉग है, 1 प्लस है, 100 और ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ 1 आ गया है, प्लस 100 इंटू एक्स 100x, और ये रूल बोलता है कि जो प्लस के बाद x है वो एज इट इज नीचे चाहिए, यहाँ प्लस के बाद x कितना है 100x, बराबर, बट यहाँ आपके पास कितना है सिर्फ x, तो बस उतनी सी सेटलमेंट कर दो, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया इसलिए एक्स्ट्रा डिवाइड कर दो, सो ये हो गया आपका एक कंटूर जिसका आंसर है 1 अपॉन, इसका आंसर क्योंकि 1 होता है, तो 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस जो भी x की वैल्यू है वो एज इट इज नीचे आपने एडजस्ट कर ली है, इसका आंसर 1, बट एडजस्ट करने के चक्कर में जो 1/100 से मल्टीप्लाई किया था नीचे वो रखो एज इट इज, और 1/100 ऊपर गया 100/1, यानी कि आंसर इज 100, फिनिश, आंसर कितना आया 100। लिख लो आराम से, लॉक की प्रॉपर्टी भी लिखो, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 5x माइनस x अपॉन x करो। सबसे पहले तो कौन सा रूल अप्लाई होगा ये सोचो, और उस रूल के हिसाब से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करने की कोशिश करो। सिर्फ याद रखो कि मॉडिफिकेशन के समय वैल्यू जो ओरिजिनल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो आपने तुरंत एडजस्टमेंट करने के लिए चेंज किया है उसका सेटलमेंट हमेशा करना होता है। सो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये क्या दिख रहा है 5x, 5x मतलब क्या है, 5 क्या है कॉन्स्टेंट रेस टू x, और कॉन्स्टेंट रेस टू एक्स, कॉन्स्टेंट को हमने क्या बोला था ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स से रिलेटेड हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, ए रेस टू एक्स से रिलेटेड हमारे पास ये एक फॉर्मूला था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 भी चाहिए, जो कि है ए यानी कोई तो कॉन्स्टेंट, यहाँ पे भले ही 5 दिया है लेकिन मैंने कहा था 5 भी क्या है कॉन्स्टेंट, और ए भी क्या कहा था मैंने तब एक कॉन्स्टेंट है जो कुछ भी हो सकता है 2, 3, 5, 8, और उसकी रेस टू एक्स, तो देखो कॉन्स्टेंट रेस टू एक्स यानी ए रेस टू एक्स रिलेटेड हमारे पास एक ही फॉर्मूला था ये, जिसका आंसर क्या आया था लॉग ऑफ ए। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा तब उसका आंसर आएगा लॉग ऑफ ए, बट उसने हमें क्या दिया है सिर्फ लिमिट एक्स टेंस टू 0 5x माइनस 5x, हमें तो माइनस 1 चाहिए था, उसने हमें माइनस कुछ और ही दे दिया है। तो अब देखो, लिमिट x टेंस टू 0 5x, ठीक है, माइनस 1, हमें क्या चाहिए था माइनस 1, और मेरा काम क्या है दिए हुए बिगड़े हुए फंक्शन को हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो मैंने माइनस 1 ले लिया, लेकिन जो भी चेंज मैं करूंगा तुरंत उसका सेटलमेंट भी करना है। सो देखो, माइनस 1 कर दिया मैंने, माइनस 5x एज इट इज,
यानी 5:2x एज इट इज, माइनस 1 अपने मन से कर दिया हूं, माइनस अगेन 5:-x भी एज इट इज, बट ये माइनस 1 का सेटलमेंट तो करना होगा, तो देखो मैं क्या करता हूं, प्लस 1। जैसे मल्टीप्लाई किया तो उसका सेटलमेंट क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड किया तो सेटलमेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। उसी तरह अगर आप कोई चीज माइनस कर रहे हो तो उसका सेटलमेंट क्या है, तुरंत प्लस कर दो उसी वैल्यू से, या फिर कोई चीज को प्लस कर रहे हो तो उसका सेटलमेंट क्या है, तुरंत माइनस कर दो उसी वैल्यू से। क्यों? क्योंकि देखो अगेन माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आपको एज इट इज क्या मिला, ऊपर जो फंक्शन दिया था वो बराबर। ये माइनस 1 भी और प्लस 1 भी अगर कैंसिल हो गया तो आपको वही फंक्शन मिलेगा जो ऊपर है, 5:2x माइनस 5:-x बराबर। मतलब वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदल रही है। तो देखो सबसे पहले शुरुआत से बताता हूं कि जैसे मुझे कॉन्स्टेंट रेस टू एक्स दिखा, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट यानी a रेस टू एक्स का, तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला था, ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन x, जिसका आंसर होता है log ऑफ a, तो इसी फॉर्म में मैंने डालने की कोशिश कर दी। ये एज इट इज 5:2x एज इट इज, मुझे तुरंत a रेस टू एक्स के बाद क्या चाहिए, माइनस 1, माइनस 1 ले लिया, आगे का फंक्शन एज इट इज, तुरंत ये माइनस 1 का सेटलमेंट प्लस 1 अपॉन x। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 5:2x माइनस 1 एज इट इज, अब देखो क्या करता हूं मैं, इन दोनों में से माइनस साइन को बाहर लेता हूं, इन दोनों में से माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया, जैसे ही माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया अपॉन एक्स। सो देखो क्या किया मैंने, ये माइनस साइन जो है ये दोनों टर्म में से माइनस साइन को बाहर लिया है, तो माइनस बाहर आ गया, सो माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस। चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, अगर मैं ये माइनस साइन से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस 5:2x, देखो माइनस इंटू 5:2x माइनस 5:2x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1, मतलब देखो ये 5:2x एज इट इज माइनस 1 एज इट इज, अगर ये माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया तो माइनस इंटू 5:2x माइनस 5:2x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, मतलब वैल्यू बदल रही है नहीं, तो इसलिए मैंने माइनस साइन को कॉमन लेकर ये इक्वेशन लिख दिया है। अब देखो ये एक ब्रैकेट बन गया और ये एक ब्रैकेट बन गया, और ये x क्या कर रहा है, इन दोनों ब्रैकेट को कंबाइनली डिवाइड कर रहा है, और मैंने आपको बताया भी, इनफैक्ट हमने ये चीज सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यूज भी की थी कि x इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है, तो x को हम बांट सकते हैं बराबर, यहाँ पे माइनस है, x को हम बांट सकते हैं 5:2x माइनस 1 अपॉन x माइनस, यहाँ पे माइनस है, 5:-x माइनस 1 अपॉन x बराबर। ये माइनस साइन को क्यों कॉमन लिया मैंने, ये एक ब्रैकेट बन गया, ये एक ब्रैकेट बन गया बराबर, और ये x इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये x इनको बट भी सकता है, मतलब x इस ब्रैकेट को स्पेशली डिवाइड करेगा और x इस ब्रैकेट को भी स्पेशली डिवाइड करेगा। सो x रेस्ट 5:2x माइनस 1 अपॉन x अलग से लिख दिया, यहाँ माइनस साइन था इसलिए माइनस, सो माइनस 5:-x माइनस 1 अपॉन x अलग से लिख दिया, खत्म। मैंने आपसे कहा था कि लिमिट आप बांट सकते हो, जब जब प्लस माइनस है तो लिमिट आप दोनों को बांट सकते हो। देखो मैंने इस फंक्शन को अलग से लिमिट दे दिया, माइनस है यहाँ इसलिए माइनस एज इट इज, इस फंक्शन को भी अलग से लिमिट दे देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 5:-x माइनस 1 अपॉन x फिनिश। अब इसको और इसको कंपेयर करो, ये बन गया कंटूर, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, a:2x है, हाँ एक ही जगह है, किसने ले लिया, 5 ने, माइनस 1 है, हाँ है, और a की जो भी पावर है वो पावर एज इट इज नीचे है, यस yes. ए की जो भी पावर है वो एज इट इज नीचे, तो इसका आंसर क्या हो गया, लॉग ऑफ ए, यहां पे ए कौन है, 5, ठीक है, सो लॉग ऑफ 5 माइनस, अब यहां पर भी देख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 है इसलिए तो हमने लिमिट सेपरेट बांट दिया, और आप बांट सकते हो, a:2x है, हाँ है, माइनस 1 है, हाँ है, अपॉन जो a की रेस टू पावर है वो एज इट इज नीचे है, नहीं है,
यहाँ पर जो a की यहाँ पर भले ही थी, बट यहाँ पे जो a की पावर है वो एज इट इज नीचे है, नहीं, थोड़ा सा रह गया, क्या रह गया, साइन। यहाँ पे a की पावर क्या है, माइनस एक्स, तो चलो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि जो 5 की पावर है वो एज इट इज नीचे चाहिए, हमारे पास क्या थी प्लस एक्स, तो सेटलमेंट तो करना होगा, तो चलो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बट जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तुरंत माइनस वन से और मल्टीप्लाई कर लेता हूं, बराबर, क्योंकि देखो क्या हो गया, जैसे ही मैंने माइनस से या मल्टीप्लाई करा, वैल्यू बदल गई और उसका सेटलमेंट क्या कर दिया, अगेन माइनस वन से मल्टीप्लाई, क्रॉस चेक कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो माइनस इंटू माइनस, फिर से आपको प्लस मिल गया और एक्स इंटू वन एक्स मिल गया, क्योंकि आपको कंपलसरी वन से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक्स इंटू वन फिर से एक्स ही रहना है, बराबर। मैं माइनस टू से करता था तो यहाँ पे टू एक्स आ जाता था, बट ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो एक्स रखने के लिए मुझे कंपलसरी वन से मल्टीप्लाई करना है और वो भी माइनस, क्योंकि यहाँ मैंने एक्स्ट्रा माइनस एडजस्ट किया है, उसका सेटलमेंट फिर से माइनस, सो माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस एंड एक्स इंटू वन एक्स, ठीक है। अब ये बन गया कंटूर, तो पहले कंटूर नहीं था, फाइव रेस टू जो भी ए रेस टू जो भी पावर थी, ए रेस टू जो भी पावर थी वो एज इट इज नीचे नहीं थी, वहां पे क्या था, प्लस था, तो इसलिए माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, माइनस लाने के लिए माइनस वन से सेटलमेंट भी कर ली, सो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, ठीक है। सो ये बन गया कंटूर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन लॉग ऑफ ए, यहां पर भी ए कितना है, फाइव, बट ये तो सिर्फ इस कंटूर का आंसर है, अपॉन जो माइनस वन लिखा है उसको भी तो सेटल करना होगा, तो हो गया ये कंटूर का आंसर लॉग ऑफ फाइव माइनस वन एज इट इज, तो देख लो लॉग ऑफ फाइव, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस लॉग ऑफ फाइव, लॉग ऑफ फाइव प्लस लॉग ऑफ फाइव टू लॉग फाइव, फिनिश, लॉग ऑफ फाइव प्लस लॉग ऑफ फाइव हो गया टू लॉग फाइव, लिख लो। हर चीज समझ के लिखो, ठीक है। सो देखो एक बार फिर से समझ लो, वाकई में ट्रिकी लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले तो यहां कोई हिंट नहीं लगी, बट मैंने कहा है आपको हर छोटे छोटे चीज में भी हिंट होती है। तो यहाँ पे a रेस टू x फॉर्म दिख गया, यानी कॉन्स्टेंट रेस टू x, सो कॉन्स्टेंट रेस टू x का हमारे पास यही एक फॉर्मूला है, तो बस इस फॉर्म में लाना था। सो a रेस टू x तो है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो तो है, अपॉन x भी है, सिर्फ यहाँ क्या नहीं था, माइनस वन, तो इसलिए मैंने माइनस वन कर दिया, उसका सेटलमेंट प्लस वन। अब ये वाला चीज एज इट इज, इन दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, सो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गई ये चीज, और माइनस इंटू प्लस माइनस बन गई, चाहे तो क्रॉस चेक भी कर लिया कि ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, वैल्यू नहीं बदली। और जैसे ही मैंने देखा ये दो ब्रैकेट को ये एक्स कंबाइंड डिवाइड कर रहा था, मैंने एक्स डिनोमिनेटर हम सेपरेट बांट सकते इक्वेशन में, सो ये एक्स इस इक्वेशन को भी दे दिया, ये एक्स इस ब्रैकेट को भी दे दिया, बाद में लिमिट भी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सब में बांट सकते हैं, तो ये लिमिट इसको अलग से दिया, ये लिमिट इसको अलग से दिया, जैसे यहाँ देखा यहाँ तो काम ही खत्म, ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन गया एज इट इज, ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, इसका सीधा आंसर लॉग ऑफ फाइव, जो ए होता है उसका लॉग। बट यहाँ थोड़ी सी बात रह गई, ए रेस टू माइनस एक्स था बट हमारे पास नीचे प्लस एक्स था, तो इसलिए मैंने इसका सेटलमेंट क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसलिए फिर से जो एक्स्ट्रा अपनी मन से मैंने एडजस्टमेंट किया है उसका सेटलमेंट माइनस वन से फिर से मल्टीप्लाई, सो ये माइनस माइनस क्या हो गया,
प्लस हो गया, और x इंटू वन क्या हो गया, x हो गया, मतलब फिर से वैल्यू आपको क्या मिल गई, प्लस x, यानी वैल्यू हमारे वजह से थोड़ी भी बदली नहीं। हमारी हर एडजस्टमेंट में यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे वजह से थोड़ी भी वैल्यू ना बदले और हमारा काम भी सफल हो जाए, ठीक है। सो खत्म हो गया, जो एक की रेस टू पावर थी वो एज इट इज नीचे आ गई, ये बन गया कंटूर जिसका आंसर है लॉग ऑफ ए, यानी अगेन 5। बट जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट माइनस वन की थी वो एज इट इज लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, फिनिश, क्लियर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5 और ये था ओवरऑल एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स, ठीक है। देखो क्या देखा अब तक हमने, सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो ये देखा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुन लो, कि फंक्शन और लिमिट बिल्कुल पैरेलल टॉपिक है, सिर्फ फर्क कहा था वहां पे एफ ऑफ एक्स दिया होता था या लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया होता था, वहां पर भी हम एक्स के जगह कोई तो कांस्टेंट रखते थे, यहां पर भी एक्स के जगह क्या रखते हैं, हम जो एक्स टेंस टू ए की वैल्यू दी है वो। बट वहां क्या होता था कि बड़े बड़े फंक्शन में अपॉन डिनोमिनेटर आ जाता था और हमें सोल्यूशन मिलता ही नहीं था, अनडिफाइंड इनवैलिड सॉल्यूशन मिलता था, और वो चीज़ को हटाने के लिए लिमिट का जन्म हुआ। उसने अपने ढेर सारे रूल्स और लॉज बनाए और उसके वजह से वो वाले फंक्शन जो भले ही आपको डिनोमिनेटर जीरो दिख रहे हैं अगर डायरेक्ट मेथड से जाए तो, वो वाले चीज़ को हटा दिया। वो बोल रहा है क्यों डायरेक्ट मेथड से जा रहे हो, मेरे खुद के रूल्स हैं वो उस पर अप्लाई कर दो। और बस आपने वही सारे रूल्स, टोटल 7 रूल्स हमने देखे, कि बहुत से फंक्शन जो आपको जस्ट नेकेड ऑब्जर्वेशन से समझ रहा है कि अगर मैं एक्स की डायरेक्ट वैल्यू रख दूं तो डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो फंक्शन के एज इट इज फॉर्मूलाज आपको लिमिट्स ने दे दिए कि इस टाइप का फंक्शन दिखा तो उसका आंसर ये लिखो, इस टाइप का फंक्शन दिखा तो इसका आंसर ये लिखो। बस अब आपके लिए चैलेंज क्या रहा कि दिए हुए क्वेश्चन को उस जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें कन्वर्ट करना, जो ढांचा दिया है उसमें उसको कन्वर्ट करना, बस आपका काम यह रहा। हमने काफ़ी सारे लॉज जब बताया था मैंने आपको, उसके साथ भी एग्जांपल दिए थे, उसके बाद भी किस तरह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन है ये भी क्या थे, पहले जो मैंने रूल्स के साथ आपको बताया वो जस्ट एक छोटे छोटे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल थे एक कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। ये जो 5 क्वेश्चन लिए ये क्या है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और उसमें हमने क्या कुछ नया किया, नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, पहले क्वेश्चन को समझा, कौन से रूल में वो आ सकता है वो देखा, और उस पर वो रूल के लिए उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए ढेर सारी एडजस्टमेंट करते गए। एडजस्टमेंट बन गया, रूल अप्लाई किया, आंसर आ गया। क्योंकि उन सारे क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू जीरो लग देते थे तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सीधा जीरो, मतलब अगली स्टेप में आप फेल, ठीक है, तो वो ही नहीं चाहिए। और वही चीज़ हमने अभी सीखी कि हमें बस वो करना है, क्वेश्चन को समझना है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है वो देखना है, डायरेक्ट मेथड से अगर जीरो आ रहा है तो वो डायरेक्ट मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, और कौन से रूल है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन करते जाना है बस। हर, और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर मॉडिफिकेशन हर एडजस्टमेंट में एक चीज़ याद रहे कि हमारे एडजस्टमेंट की वजह से ओरिजिनल वैल्यू ना बदले, ठीक है। तो प्लस का सेटलमेंट माइनस से किया, इनटू का सेटलमेंट डिवाइड से किया, और वो करते रहना है। ये था एक छोटा सा ट्रेलर, ट्रेलर पता होता है ना, ट्रेलर में जो दिखा होता है मूवी में उसके बाहर कुछ होता ही नहीं है, बस उसी ट्रेलर को और एक्सपांड करके आपको मूवी दिखा देते हैं, बस यही है। ये ट्रेलर था और यही लिमिट्स है। अब आपको बस क्वेश्चन की और कुछ तो अलग अलग वराइटीज आएंगी, कहीं ना कहीं आपको सिंप्लीफिकेशन यूज़ करना होगा, कहीं ना कहीं एक दो जो साइंटिफिक मेथड है, रैशनलाइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो यूज़ करना होगा। बट ओवरऑल लिमिट्स की दुनिया बस यही है, ये 7 रूल, और किसी भी तरह उन क्वेश्चन को इन रूल में ढालना, ओवरऑल लिमिट्स की दुनिया बस यही है। तो आगे अगर लिमिट्स हम थ्रू आउट जो भी देखेंगे डेज, वो हमें सिर्फ क्या देखना है, वराइटीज ऑफ क्वेश्चन कैसे एडजस्टमेंट करें, उसकी तैयारी। आप कंसेप्ट नया कुछ नहीं सीखने वाले हो इसमें, आप सिर्फ ये सीखने वाले हो कैसे क्वेश्चन को टैकल करें। जैसे अभी ये 5 किया है उसी तरह और कैसे हम 50 क्वेश्चन को टैकल करें, सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। और एक बार ये सीख गए तो कंटिन्यूटी बाय हाथ का खेल है, कंटिन्यूटी आ गई, लिमिट्स आ गया, तो पूरा कैलकुलस ही आ गया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी बिल्कुल सिंपल, इसी तरह फॉर्मूला बेस्ड है।
ठीक है, तो इतना सेशन हो गया है, आप ये अच्छी से बाय हार्ट करो, नेक्स्ट सेशन में हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा अब नए रूल कुछ नहीं बचे, नए लॉस कुछ नहीं बचे, अब सिर्फ बची है प्रैक्टिस। कभी कभार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, रैशनलाइजेशन आ गया, वो क्या होता है, उसको कैसे टैकल करें, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अब सिर्फ बची है प्रैक्टिस। क्लियर, गुड डे।